सीहोर जिले के संवेदनशील पुलिस अधीक्षक श्री शशेंद्र सिंह चौहान के द्वारा नियमित क्रम में संक्रमित हुए पुलिस कर्मियों से वीडियो कॉल पर चर्चा कर उनका स्वास्थ्य पूछा एवं जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया। पुलिस अधीक्षक सीहोर के द्वारा कोरोना ग्रस्त पुलिस कर्मियों को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया हों और किसी प्रकार की कोई समस्या न आए यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? सर अभी तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं सर, बढ़िया हूँ। बढ़िया है। नितेश सर बहुत बढ़िया। आज ही पॉजिटिव हुए हो? जल्दी से जल्दी नेगेटिव होना वापस, ठीक है? योगेश जी सर, अरे आप लोग बिल्कुल योद्धा हो, तुम लोग योद्धा। अभी लड़के हो फिर आगे निकलोगे, आगे बढ़ोगे, योद्धा हो तुम लोग, मजबूत योद्धा हो, ठीक है? ये कोरोना वोरोना तुम्हें कुछ कर नहीं पाएगा, बस ये है कि अपना जो है जो खान पान का और अपने छुआछूत का ध्यान रखना है ताकि अन्य लोगों का ना हो जाए। दवाई गोली टाइम पे खाना है और आइसोलेशन में रखना ताकि अपनी पत्नी को या माता को, पिता को, भाई बहन को अपन संक्रमित ना कर दें, इसलिए आइसोलेशन का पूरा ध्यान रखना है और मनोबल ऊंचा रखना है। सब योद्धा है, ट्रेंड सुधार लोगे, बहुत मेहनत करके तुमने ट्रेनिंग का पास करी है, इसलिए घबराने की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा विभाग आपके साथ है, डीजीपी सर सुबह शाम आप लोगों की खैरियत पूछते रहते हैं, डीजीपी मेन डीजीपी जोहरी साहब और जो हमारे एडिशनल डीजी साहब है साहिब मनोहर साहब, वो भी बार बार चिंतित रहते हैं। आपके इलाज में जो भी खर्चा होगा वो सब सरकार रिइंबर्स करेगी, है ना? घबराने की बात नहीं है, ठीक है? आपको जो भी पैसा खर्च होगा ना सीटी स्कैन में या किसी भी चीज़ में, वो सरकार खर्च करेगी। अभी घर पे ऐसी तो नहीं कि किसी को खाना खाने की दिक्कत आ रही हो? हम टिफिन सीरियस लगा देंगे सबका, खाना घर पे बन रहा है सबका, ठीक है? और थोड़ी भी दिक्कत लगे तो सीटी से, हाँ थोड़ी भी दिक्कत लगे तो सीटी स्कैन जरूर कराना, उससे फाइनल टेस्ट हो जाता है। करा लिया सर? हाँ करा लिया सर, मैंने करा लिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई भी अपने आप को रिस्क में डालना, पूरा विभाग आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, कभी भी कोई दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन कर लेना। अगर आपको आर्थिक दिक्कत होगी तो मैं लाइन फंड से आपको एडवांस दे दूंगा, लेकिन आप आर्थिक तकलीफ में दुखाना, इलाज अच्छे से कराओ और मनोबल ऊंचा रखो। आप लोग स्वस्थ होकर वापस फील्ड में आ जाओ। आप लोगों के एक एक साथी की मुझे आवश्यकता है इस कठिन परिस्थिति में, एक एक साथी महत्वपूर्ण है, ठीक है? आप सभी को शुभकामनाएं।